दो महीने बाद एक बार फिर हिंदुस्तान के आसमान पर हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। 25 मार्च से बंद पड़ी हवाई सेवा एक बार फिर बहाल होने जा रही है। सरकार ने 25 मई से घरेलू हवाई सेवा को शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला राज्य सरकारों के बात करने के बाद आया है। विमान कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी को तैयारियां शुरू करने के लिए बोल दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के हर राज्यों में फ्लाइट भेजने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों को यह फैसला करना है कि वो अपने यहां उड़ानों को अनुमति देती है या नहीं। हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी, और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। आज दोपहर तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यात्रियों के लिए नई SOP जारी करेगी। 15 मई को AAI ने जल्दी हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया था, हालांकि चौथे लॉकडाउन की गाइडलाइन में हवाई सेवा को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रा शुरू होने पर यात्रियों की SOP जारी की थी, जिसके मुताबिक केवल वेब चेक इन की अनुमति है, कोई केबिन लगेज ले जाने की अनुमति नहीं होगी, फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा, मास्क और हाथ के दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना सबके लिए जरूरी, 4 फीट की दूरी बनाकर रखना सबके लिए जरूरी, एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना होगा जरूरी। यात्री अब अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर भी लेकर जा सकते हैं। इस SOP को लेकर काफी मंथन हुआ, जिसमें कुछ बदलाव भी किए जाने वाले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अभी यात्रियों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। जहां तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी, और मैं समझता हूं अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए प्राइस कैपिंग लो या वो जो भी है तो हम शुरू में देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 फ्लाइट्स हैं और आप 30 चलाओगे तो डिमांड तो बहुत होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है एयरलाइंस मनमर्जी से कर लें, पर एयरलाइंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि अगर हम मैक्सिमम देंगे तो ये थोड़ा मैक्सिमम ऐसा लगाएंगे जो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एयरलाइंस का भी हमें देखना पड़ेगा और हमें पैसेंजर्स का भी देखना पड़ेगा। देखिए ये सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है, पहले हमने रेलवे शुरू की है फिर डोमेस्टिक करेंगे, और मैं समझता हूँ समय आएगा जल्दी जब ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हैं इनके बारे क्या करना चाहिए, पूरा खोलना मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रीमेच्योर है।